अगर आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है और आप अपना सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आप ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट की एप्लीकेशन सबमिट करके अपना सेविंग अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ खोल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो पूरा प्रोसेस जिससे आप खुद घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अपना सेविंग अकाउंट खोलने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो आइए चलते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके लिए आप अपने गूगल ब्राउजर में जाएं और टाइप करिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एंटर प्रेस करें। ये सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन। इस पर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेविंग अकाउंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप अकाउंट जो खुलवाएंगे उसके लिए आपको कितना अमाउंट से अकाउंट आपका खुलेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बिना चेकबुक के आपका 500 रुपये में अकाउंट खुल जाएगा। अगर आपको चेकबुक की ज़रूरत है तो 1000 रुपये आपको डिपॉजिट करना होगा, यानी मिनिमम जो बैलेंस है वो 1000 रुपये से आपका अकाउंट खुलेगा चेकबुक के साथ, बिना चेकबुक के आपका 500 रुपये। अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपका 500 रुपये और 1000 रुपये सेम कंडीशन है। सेमी अर्बन में रहते हैं तो आपको जो है मिनिमम 250 रुपये से अकाउंट खुलेगा, और जो चेकबुक के साथ अगर आप लेंगे तो 500 रुपये में अकाउंट खुलेगा। अगर आप गांव खेड़े में रहते हैं तो आपको जो है मिनिमम 100 रुपये जमा करने होंगे और चेकबुक बिना चेकबुक के, और अगर चेकबुक के साथ आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो 250 रुपये में आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो ये थे डिटेल कि आपको क्या क्या मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको 3% मिलेगा एनुअल, आपके जो भी बैलेंस होगा आपके अकाउंट में उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% का दिया जाएगा। तो अब आपने ये डिटेल देख लिया, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुलकर आएगा जहाँ आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करना है। जहाँ भी स्टार लगे हुए हैं वो ऑप्शन आपको फिल करना मैंडेटरी है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ स्टार है इन सबको फिल करना मैंडेटरी है। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है सेविंग अकाउंट, यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट या फिर पेंशन अकाउंट, इन तीनों में से जो भी अकाउंट आप खोलना चाहते हो उस पर टिक कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट पर टिक करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप मिस्टर या मिसेज जो भी हो वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे फुल नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है, यहाँ पे मदर नेम लिखना है, यहाँ पे आपको DOB चूज करना है। यहाँ पे आप जाएंगे कैलेंडर में और यहाँ से जो भी आपकी DOD है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मैंडेटरी है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, जो आपका पैन कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अकाउंट ऑनलाइन आपका नहीं खुल पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्टार फील्ड है यानी मैंडेटरी फील्ड है। तो आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं वो भी 10 मिनट में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे 10 मिनट में आप पैन कार्ड बनाकर आप अपना ये सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, और इस वीडियो को देखकर भी आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना है, जो भी आधार नंबर है। आप देख सकते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे फिल करें ना करें कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना है जो कि मैंडेटरी है। यहाँ से आपको कोई एक आईडी प्रूफ चूज कर लेना है। आईडी प्रूफ में आप यूज कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, UID, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। इनमें से जो भी हो आप वो चूज कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप उस आईडी का यहाँ पे नंबर लिखेंगे। अगर आप आधार कार्ड चूज कर रहे हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से, जैसे आधार कार्ड आप चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, ये मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ से आप अपना सिलेक्ट स्टेट चूज कर लेंगे, किस स्टेट में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो दिल्ली में जो भी स्टेट हो वो चूज कर लेंगे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप अपना ब्रांच चूज कर लेंगे, जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच होगी वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे।
जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है वो चूज कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इससे पहले आपको बता दें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इज रिटायर बीएनएसएन बीएसएनएल स्टाफ। अगर आप बीएसएनएल स्टाफ है तो आप यस, अगर हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे, और नहीं है तो आप नो पे टिक रहने देंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो आप यहाँ डालेंगे, और ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा वो यहाँ डालेंगे। ये डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, जहाँ पे आपको अपने एड्रेस डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आपको अपने एड्रेस की डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चूज करना है, जिसमें आप चूज कर सकते हैं आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट हो आपका, आपका कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इशूड डॉक्यूमेंट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, पासपोर्ट हो, और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो, आपका वोटर आईडी कार्ड हो, टेलीफोन बिल हो, मोबाइल पोस्टपेड बिल हो, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप चूज कर सकते हैं। सबके पास नॉर्मली आधार कार्ड होता है, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का आपको नंबर डालना होगा, यानी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, फिर आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल देनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज अ करेंट एड्रेस है तो आप इस पे टिक कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस भी डालेंगे। तो यहाँ पे अगर सेम है तो सेम पे टिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा आपका करंट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स आपको डालना है, ऑक्यूपेशन, जैसे आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे से आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लंबी लिस्ट है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन हो इसमें से आप चूज कर सकते हैं। जैसे दुकानदार है तो रिटेल आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी हो वो इस लिस्ट में से आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ से आप ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे, जैसे अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड, या फिर जो भी काम करते हैं वो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपना रिलीजन चूज करेंगे, यानी अपना धर्म चूज करेंगे, जो भी है आपका वो यहाँ से। यहाँ से आप अपनी जात चूज करेंगे, एसटी एससी ओबीसी अदर या जनरल, जो भी है वो चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप अपनी एनुअल इनकम चूज करेंगे कि एनुअल कितना कमा लेते हैं आप, लेस देन 50,000 यहाँ, 50,000 से 1,00,000 इसमें, जो भी हो आपका जितना कमाते हैं वो यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे कि कैसे कमाते हैं आप, सैलरी है, पेंशन मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी है, रेंटल है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, अदर, जो भी हो आपका वो यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे फिर आपको अपना नेट, जो नेट इनकम है वो बताना होगा, तो क्योंकि यहाँ पे ये सबसे कम ऑप्शन यही वाला है, तो अनएम्प्लॉयड में आप यही वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी एनुअल इनकम हो, नेट जो इनकम है हर साल की, वो यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बर्थ ऑफ प्लेस आप डालेंगे, जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, यानी जिस राज्य में जहाँ पे जन्म हुआ वो डालेंगे। यहाँ पे बर्थ कंट्री डालेंगे, जहाँ आपका जन्म हुआ है जिस देश में, तो वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपनी एक्टिविटी टाइप चूज करेंगे, यानी क्या करके आप कमाते हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या दोनों करते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं, कुछ अदर सोर्स से आपकी इनकम है, तो आप नन पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप चूज करेंगे, सिंगल या मैरिड, जो भी हो वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर आ रहा है कि हमें एड्रेस में स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, तो डैश वगैरह हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है, कंप्लीट एड्रेस और सारी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको अपने नॉमिनी के डिटेल देनी है, अगर नॉमिनी किसी को बनाना चाहते हैं अकाउंट पे तो यस पे टिक करेंगे, अदरवाइज नो पे टिक कर देंगे।
जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद नॉमिनी से क्या रिलेशन है आप यहाँ चूज करेंगे, जो भी आपका रिलेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको नॉमिनी का एड्रेस डालना है, नॉमिनी अगर किसी दूसरे एड्रेस पे रहता है तो आपको यहाँ पे वो एड्रेस लिखना है, अदरवाइज नॉमिनी अगर आपके साथ रहता है, आपने जो एड्रेस मेंशन किया है कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस उनमें से किसी एक पर रहता है तो आप यहाँ पे सेम एज कम्युनिकेशन या फिर सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक कर सकते हैं। तो जैसे ही सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पे आप टिक करेंगे तो आपके नॉमिनी का भी एड्रेस सेम पिक कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि इस नॉमिनी माइनर, अगर क्या आपका नॉमिनी माइनर है, अगर माइनर है तो यस पे टिक करेंगे। यस पे टिक करने के बाद नीचे आपको ये सारी डिटेल उसकी भरनी होगी, डेट ऑफ बर्थ, उसके गार्जियन का नाम, फिर गार्जियन का रिलेशनशिप। अगर माइनर नहीं है आपका नॉमिनी यानी 18 साल से कम का नहीं है तो आपको नो पे टिक करना है। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये जो फैसिलिटीज दे रखी है इनमें से आपको जो भी चाहिए वो चूज कर लेंगे। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए इस पर यस कर देंगे, एटीएम कम डेबिट कार्ड आपको चाहिए इस पर यस कर देंगे, मोबाइल बैंकिंग चाहिए यस कर देंगे, अगर एसएमएस बैंकिंग चाहिए आपको तो उस पर यस कर देंगे, अगर आपको चेकबुक की जरूरत है तो आप यस कर देंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर देंगे ताकि आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाए, या फिर आप फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और इस तरह का फॉर्म आपका जनरेट होगा। अब आपको करना क्या है, ये आपका रेफरेंस नंबर है जो कि आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा और मोबाइल नंबर पे भी आएगा। इस फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में सिर्फ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। इस फॉर्म पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, यहाँ पे इस बॉक्स में सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपको डेट डालनी है जिस डेट पे आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, और यहाँ पे वो प्लेस डालना है यानी दिल्ली में खुलवा रहे हैं तो दिल्ली जहाँ भी आप खुलवा रहे हैं वो प्लेस यहाँ डालना है। ये करने के बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ चूज किया, जैसे पैन कार्ड चूज किया, आधार कार्ड चूज किया है, तो उसकी एक फोटोकॉपी करवाएंगे आप, उस पर सिग्नेचर करेंगे और इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी के साथ आप उस ब्रांच में विजिट करेंगे जो आपने चूज किया था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कश्मीरी गेट ब्रांच है, तो आप कश्मीरी गेट ब्रांच पे आपको विजिट करना होगा, ये फॉर्म आप वहाँ सबमिट कर देंगे। जैसे ये फॉर्म आप सबमिट करेंगे ब्रांच में आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा, आपको एक पासबुक और चेकबुक, पासबुक दे दिया जाएगा, चेकबुक आपके पास बाय पोस्ट आएगी और आपको साथ ही एटीएम कार्ड ब्रांच में ही दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।